हेलो राधे राधे। आज मैं आपको धनिए की पंजीरी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी। धनिए को मैंने सुखा लिया था और अच्छे से साफ कर लिया है। अब मैं कैसे जन्माष्टमी स्पेशल पंजीरी बनाती हूँ वो सब आपको दिखाऊंगी। ये धनिया को बिल्कुल ही बारीक पीस लिया मैंने। आप भी बिल्कुल बारीक पीसे हैं, बिल्कुल अच्छे वाला बारीक पीसा है। ये दूसरी बार भी तीसरी है बिल्कुल हमारी। अब ये लास्ट वाला है, इसको पीस लेते हैं। चलिए अब मैं इसको पीस कर दिखा देती हूँ। ये पूरी पंजीरी बन के तैयार हो गई है। दाल मखाना को मैंने बिना घी के ऐसे ही सीखा है, इसको भी थोड़ा सा गंदरा पीस लेंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा पीस लूंगी मोटा मोटा सा और फिर दिखाती हूँ। ये दाल मखानों को भी मैंने दरदरा सा पीस लिया है मोटा मोटा सा। तो चलिए अब मैं मिक्स कर देती हूँ। और ये काजू के मैंने टुकड़े कर लिए हैं बारीक बारीक, आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब इसमें मैं किशमिश डाल दूंगी। ये मैंने अच्छे से धो के रखी हुई है सुखा के। इसमें आप नारियल के टुकड़े छोटे छोटे करके भी डाल सकते हैं, मैं नारियल के टुकड़े नहीं डालूंगी। ये मैंने दो पार्ट धनिया कर लिए हैं और एक पार्ट ये पार्ट था। चलिए ये थोड़ी सी पंजीरी मैंने आपको बना के दिखा दी है। आप अपने हिसाब से खांड या चीनी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं घी डालूंगी। ये घी मैंने 1 डेढ़ चम्मच ले लिया। घी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। ये मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है। इसमें तुलसी पत्ता जरूर डालना है, गोपाल को भोग लगाना है तब। क्योंकि तुलसी पत्ते बिना तो गोपाल जी के भोग लगता ही नहीं है, इसलिए गोपाल जी के भोग में तुलसी पत्ता बहुत ही जरूरी है। घी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। ड्राई फ्रूट को आप पीस के डाल सकते हैं दरदरा सा। ये बहुत ही टेस्टी वाली पंजीरी मतलब रेडी हुई है। तो
चलिए अब मैं दिखा देती हूँ। लीजिए हमारी टेस्टी वाली पंजीरी बनकर तैयार है। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और इस पंजीरी का गोपाल जी को भोग लगाएं, तब तुलसी पत्ता जरूर डालें। तुलसी पत्ते के बिना तो गोपाल जी को भोग ही नहीं मिलता। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी, नई आइडिया, नई गोपाल के ड्रेस के साथ। राधे राधे।